मेले में जाने वाली हूँ और मैं वहां पे बहुत इंजॉय करूंगी, बहुत सारे झूले में झूलूंगी और ले बहुत सारे स्टेशनरीज लाऊंगी और मेरे को बहुत मजा आने वाला है। और मैं अमरनाथ की गुफा में भी जाऊंगी और कश्मीर वाले डोम में और कश्मीर वाले डॉन में भी। कौन से झूले में झूलने वाली और बहुत सारे झूले में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुन लिया कि जो मेरी गुड़िया है वो क्या बोल रही थी, मतलब आज वो मेले में जाने वाली है और काफ़ी एंजॉय करने वाली है। पीछे आप देखते हैं, कम से कम ये मेरे से 4-5 दिन से कंटिन्यू रट लगा के बैठी थी कि पापा मुझे मेला दशहरा आप लेकर के चलो। तो फाइनली आज इसको घुमाने का जो टाइम है वो मिल चुका है। तो चलिए मैं सीधा आपको मेले में लेके चलता हूँ और फिर वहाँ पर इसका रिएक्शन दिखाऊंगा कि कश्मीर के डोम में जाने के बाद में इसका क्या रिएक्शन होता है और झूले देखने के बाद में इसका क्या रिएक्शन होता है। गुड़िया को लेकर के मैं पहुंच चुका हूं यहां पर सीएडी सर्किल पे और पाठक वाले के यहां पर मैंने गाड़ी पार्क लगा दी थी। और इसके बाद में गुड़िया ने मांगी थी मुझसे डेयरी मिल्क, तो मैंने भी इसको दिला दी थी। दशहरे मेले के मेन गेट से एंटर होने के बाद में यहां पर छोटे छोटे जो पप्पीज़ हैं गोरी को दिखाई दिए थे, तो इनको देख कर ये काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और काफ़ी ज़्यादा ये शानदार लग रहे थे यहाँ पर ये पप्पीज़। यहाँ से लेकर के मैं गुड़िया को जैसे ही आगे बढ़ा तो यहाँ पर एक छोटी सी गुड़िया रस्सी के सहारे यहाँ पर बहुत ही शानदार करतब कर रही थी। तो गुड़िया इसको देखकर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। और यहाँ पर आप मेले का भव्य नज़ारा देख सकते हैं। ये कोटा दशहरे का सबसे सुंदर झूला है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा आकर्षित कर रहा था। तो आप भी देखिए किस तरीके से झूला यहाँ पर चल रहा है और बहुत ही खूबसूरत झूला है यहाँ पर इस बार कोटा दशहरे का। इसके बाद मैं एंटर हुआ यहाँ पर मिनी कश्मीर वाले डोम की तरफ। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे जो झूले हैं लगे हुए थे और यहाँ पर गुड़िया देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। ये तो नाचने लगी थी तो मुझे इसके पीछे पीछे यहाँ पर दौड़ना पड़ा और आप देखिए मुझे इसको पकड़ना ही पड़ा क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, खुश होते हैं, भागते हैं इधर उधर। तो इसलिए मैं इसका हाथ पकड़ कर यहाँ पर चल रहा था और ये देख करके देखिए किस तरीके से खुश हुई यहाँ पर। झूलों को देखकर गुड़िया का जो मन है वो मचल गया था, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर जो ड्रैगन वाली ट्रेन थी इस पर बिठा दिया था और साथ में मैं भी बैठ गया था। तो इस वाली ट्रेन में बैठने के बाद में काफ़ी ज़्यादा आनंद आया और गुड़िया की रिएक्शन आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि 3 से 4 दिन पहले ये मुझसे बोल रही थी कि पापा मुझे लेकर के चलो, आप तो चले जाते हो घूमने के लिए। तो आज मैं इसको फाइनली लेकर के आ चुका हूँ और इसके रिएक्शन आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही है आज यहाँ पर ये गुड़िया और मज़ा भी आ रहा है गुड़िया के साथ में आज घूमने में, क्योंकि काम तो डेली रहता है बट बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करना कुछ अलग ही बात होती है। तो गुड़िया का जो रिएक्शन है आप देखिए, बहुत ही अलग रिएक्शन है यहाँ पर इसका कैप्चर हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा खुश है गुड़िया यहाँ पर आज। ड्रैगन ट्रेन में झुलाने के बाद में गुड़िया को मैं लेकर गया कश्मीर वाले डोम में और गुड़िया इतनी एक्साइटेड थी देखने के लिए कि आगे आगे भाग रही थी और मैं इसके पीछे पीछे चल रहा था। काफ़ी ज़्यादा खुश थी कश्मीर वाले डोम को देखने के लिए और 3-4 दिन से रट लगाई हुई थी कि कश्मीर वाले डोम में मुझे ज़रूर से लेकर के चलना। जैसे गुड़िया यहाँ पर कश्मीर वाले डोम में एंटर होती है तो देखते हैं इसके जो एक्सप्रेशन है वो बदल जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि पापा यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा ही है, काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है। और देख सकते हैं इसके रिएक्शन क्या है यहाँ पर, क्योंकि बच्चों का अलग ही अंदाज होता है, अलग ही मज़े होते हैं। तो बार बार ये जो यहाँ पर हवा चल रही थी इसके पास ही जा रही थी और फिर तो पूछो ही मत, ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई और आगे भागने लगी। तो मैं इसके पीछे पीछे और गुड़िया आगे आगे। कश्मीर डोम में यहाँ पर बीच में बर्फ़ गिरी थी तो काफ़ी सारे जो बच्चे यहाँ पर इकट्ठे हो रखे थे
और ये भी यहाँ पर जब ये बर्फ़ चल रही थी तो इसमें खेलने लगी और काफ़ी मज़ा आया इसको यहाँ पर इस बर्फ़ को देख करके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ज़िद्द थी इसको यहाँ पर कश्मीर डोम को देखने के लिए। कश्मीर की वादियाँ दिखाने के बाद में मैं गुड़िया को लेकर के आया बाहर, और बाहर आते हैं यहाँ पर छोटी छोटी जो गाड़ियाँ हैं गुड़िया को नज़र आ गई थी, तो इसमें मैंने इसको बिठा दिया था। और जो ये चलाने वाले हैं झूले वाले भैया, ये जान पहचान के थे तो इन्होंने चार्ज वगैरह मुझसे नहीं लिया है। और इसके बाद में गुड़िया को जाना था डॉलर वाले झूले में, बट इसमें मैंने इसको नहीं बिठाया क्योंकि काफ़ी बड़ा झूला होता है और बच्चों को डर भी लग जाता है, तो इसलिए इसकी काफ़ी ज़िद्द होने के कारण मैं इसको लेकर के गया यहाँ पर नाव वाले झूले में। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर भी ये आगे आगे भाग रही थी। नाव वाले झूले में बैठने के बाद में मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और गुड़िया को भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि मेले में तो मैं कई बार जा चुका था लेकिन किसी भी झूले में मैं बैठा नहीं था। आज पहली बार गुड़िया के साथ मैं यहाँ पर जब मेले में घूमने आया तो गुड़िया के साथ ही नाव में बैठने का जो मौका है मुझे यहाँ पर मिला है। नाव वाले झूले में बैठने के बाद में गुड़िया को भी काफ़ी मज़ा आया और मुझे भी काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि पहली बार मैं यहाँ पर कोटा दशहरे में नाव के झूले में बैठा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत खूबसूरत जो झूले हैं यहाँ पर इस बार कोटा दशहरे में लगे हुए हैं। और इसके बाद में गुड़िया को मैं लेकर के आ चुका था यहाँ पर जो झूला मार्केट था, इसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है कोटा दशहरे में, यही जो मार्केट होता है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो भीड़ आपको देखने को मिलती है। गुड़िया का यहाँ पर कुछ खाने का मन कर रहा था तो मैं इसको लेकर के गया फास्ट फूड की शॉप पर, और फिर मैंने यहाँ पर इसका मनपसंद जो चाट है ये ऑर्डर किया। मेले में सारी जगह घूमने के बाद में गुड़िया की एक और इच्छा थी कि मैं फिश वाले डोम में भी जाऊँ, तो मैं इसको लेकर के आ गया यहाँ पर फिश वाले डोम में। और यहाँ पर मछलियों को देखकर ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हुई, खुश हुई, क्योंकि पहली बार देखा था इसने गुड़िया ने यहाँ पर ये फिश वाला डोम। ये देखिए किस तरीके से ये गुड़िया यहाँ पर आगे आगे भाग रही थी। और मैं पूरा विजिट कर चुका था यहाँ पर पहले मेला, तो सभी जगह मुझे पता थी कहाँ पर क्या है, तो सारा कुछ मैंने यहाँ पर इसको ईजिली दिखा भी दिया था।
फिश डोम दिखाने के बाद में मैं गुड़िया को लेकर के आ चुका हूँ यहाँ पर 9D VR गेम जोन की तरफ, जो कि ये भैया थे ये भी मिलने वाले ही थे, तो गुड़िया का इन्होंने चार्ज वगैरह नहीं लिया था। 9D VR गेम देखकर गुड़िया काफ़ी ज़्यादा खुश हुई, इसको मज़ा भी आया क्योंकि पहली बार इसने 9D VR किट के माध्यम से जो गेम है यहाँ पर दशहरा मेले में देखा है। और बच्चे तो अक्सर मोबाइल में देखते रहते हैं, लेकिन इस तरीके का जो अनुभव है अलग ही रोमांचित कर देने वाला होता है। दोस्तों अगर आप कोटा दशहरा मेले में जाते हैं तो भैया की शॉप पर आप ज़रूर से विजिट करें। इनकी शॉप आपको जो बाबा अमरनाथ दर्शन है उसी के पास में, जो नया गेट बनाया हुआ है उसी के पास में यहाँ पर इन्होंने गाड़ी वगैरह लगा रखी है, तो वहाँ पर जा कर के आप विजिट कर सकते हैं और आपको थोड़ा सा डिस्काउंट भी कर देंगे मेरा नाम अगर आप ले लेंगे इस वीडियो को। अगर आप भैया को दिखा देंगे तो थोड़ा डिस्काउंट आपके लिए ज़रूर से कर देंगे, आप ज़रूर से विजिट करें, काफ़ी अच्छा गेम है। पूरा मेला घुमाने के बाद में गुड़िया काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और इसको मज़ा भी आया। तो दोस्तों आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही अगर आप मेरे इस ब्लॉग चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे राष्ट्रीय दशहरा मेले की एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।